राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियों ने जमकर तैयारी शुरू कर दी है। वैसे तो राजस्थान की सभी सीटें बीजेपी और कांग्रेस के लिए अहम है, लेकिन झुंझुनू लोकसभा सीट पर दोनों ही पार्टियों में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस सीट पर 5 बार से लगातार विधायक रही बरजेंद्र ओला की साख लोकसभा चुनाव में दांव पर लगी है। साथ ही जातीय आधार पर शुभकरण चौधरी भी कमजोर नजर नहीं आ रहे, जो मोदी के पेश पर चुनावी मैदान में है। नमस्कार, मैं दीपेंद्र कुमावत, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज की खास पेशकश चुनावी नगरी। आज हम बात करने जा रहे हैं झुंझुनू लोकसभा सीट की, जहां पर बीजेपी ने नरेंद्र कुमार का टिकट काटकर शुभकरण चौधरी को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने बरजेंद्र ओला पर दाव खेला। यहां फिलहाल बीजेपी से नरेंद्र कुमार सांसद है। झुंझुनू लोकसभा सीट की बात करें तो जातीय आंकड़ों पर झुंझुनू लोकसभा सीट एक जाट बाहुल्य सीट है। यहाँ मुसलमान की तादाद भी काफी अच्छी है, उसका वोट प्रतिशत 23.3% है और आबादी 2,67,000 है। अनुसूचित जाति के वोटर्स की संख्या 3,23,000 और एसटी वोटर्स की संख्या 34,000 है। झुंझुनू सामान्य श्रेणी की सीट है। बता दें कि इस सीट पर लोकसभा क्षेत्र के तहत 8 विधानसभाएं आती है, पिलानी, सूरजगढ़, झुंझुनू, मंडावा, नवलगढ़, उदयपुर वाटी, खेतरी और फतेहपुर आती है। अगर बात करें उम्मीदवारों के राजनीतिक कैरियर की, तो शुभकरण चौधरी 2013 में उदयपुर वाटी से विधायक रहे। राजेंद्र गुड़ा को चुनाव हराकर उदयपुर वाटी से विधायक बने थे। इसके बाद शुभकरण चौधरी को भाजपा ने फिर 2018 में टिकट दिया, लेकिन 2018 में बसपा से चुनाव लड़ रहे राजेंद्र सिंह गुड़ा से चुनाव हार गए। शुभकरण चौधरी 2018 के विधानसभा चुनाव में 5,000 वोटों से हारे थे। इसके बाद पार्टी ने 2023 में एक बार फिर उदयपुर वाटी से शुभकरण चौधरी को मैदान में उतारा, लेकिन शुभकरण चौधरी 416 वोटों से चुनाव हार गए। ओला ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत अपने पिता स्वर्गीय शीशराम ओला, पूर्व केंद्रीय मंत्री, से प्रभावित होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में की। वह लगातार 4 बार झुंझुनू निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। विधानसभा में उनका कार्यकाल 2008 में शुरू हुआ, तब से वह 2013, 18 और 23 में फिर से चुने गए। ओला ने राजस्थान सरकार में परिवहन मंत्री, सड़क सुरक्षा राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के रूप में कार्य किया। 2017 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार भी सम्मानित किया गया। तो ये थे झुंझुनू लोकसभा सीट के चुनावी समीकरण, जहां दोनों ही चुनावी नेताओं में, अनुभवी नेताओं में सीधी टक्कर काफी दिलचस्प नजर आ रही है। ऐसे में मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे भाजपा पर कांग्रेस के बरजेंद्र ओला क्या पार पा सकते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। अगली कड़ी में ऐसे ही एक सीट पर हम आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।